सो आज की पूरी डेकोरेशन होने वाली है घर में पड़े वेस्ट मटेरियल से हम ये पूरा जो डेकोरेशन है हमने किया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ प्रगति। सो मेरे चैनल का नाम है अपडेट फ्रॉम प्रगति। तो आज के अपडेट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पूरे वेस्ट मटेरियल से हम ये सारी डेकोरेशन करने वाले हैं। सो ये जो डेकोरेशन मैंने आपको यहाँ डाइनिंग टेबल पे करके दिखाई है, जस्ट आइडिया के लिए आपको दिखाई है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर में डेकोरेशन कर सकते हैं और मैं इस दिवाली पे इसी मटेरियल से अपने घर की सारी डेकोरेशन करूँगी और इसकी पिक्चर भी मैं आपके यहाँ शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम पर। ये जो डेकोरेटिव आइटम आप देख रहे हैं, तो अगर आपके पास ये सेम मटेरियल नहीं है तो उससे रिलेटेड यानी कि उसका ऑल्टरनेट भी मैं आपको बताऊँगी कि आप इसकी जगह पर कोई और चीज़ इस्तेमाल करके सेम ऐसी डेकोरेशन का जो ये आइटम है ये सब बना सकते हैं। सो चलिए आइए, अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं राइस का, जो कि सबके घर में अवेलेबल होते हैं। और ये जो कलर मैंने यूज़ किया ये एक्रेलिक कलर है। आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर कलर, या फिर अगर आपके पास वाटर कलर भी नहीं है तो हल्दी या कुमकुम से भी आप इस तरह के कलरफुल राइस बनाकर रेडी कर सकते हैं। और कलर करने के बाद किसी भी पेपर पर हम इसको फैला लेंगे। 10-15 मिनट में ये ड्राई हो जाते हैं और ड्राई करने के बाद इनको हम किसी भी बॉक्स में स्टोर करके रख लेंगे। सो सबसे पहले अब यहाँ पर मैं सीडी का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी पुरानी सीडी पड़ी थी इसलिए मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस टाइप की सीडी नहीं है तो किसी भी कार्डबोर्ड को आप ले लें और उसको सर्कल शेप में कट कर लें और उस पर कलर कर लें। कलर भी आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, कोई भी कलर कर लीजिए, येलो, पिंक, रेड, ग्रीन, जो भी आप करना चाहें। मैं यहाँ पर अलग अलग कलर की सीढ़ियों को पेंट कर लूँगी कलरफुल, और इन सारी सीढ़ियों को मैं अपने घर में दिवाली पर यूज़ करने वाली हूँ। जगह जगह पर इनको रखूँगी दिया रखने के लिए, या फिर जब मैं रंगोली बनाऊँगी तो बीच में इसको रखूँगी और फिर दिया रखूँगी उसके ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा रंगोली का। सो चलिए आइए फर्स्ट डेकोरेटिव आइटम को बना लेते हैं। यहाँ पर मैं सीढ़ी पर जो मैंने कलर किए थे उसी में यहाँ पर साइड में वाइट रंग से, एक्रेलिक कलर है ये भी, और इसे डॉट डॉट बना लूँगी। और बाद में मैं उसके बाद यहाँ पर कुंदन का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास कुछ स्टोन पड़े थे कुंदन के, उनका यूज़ करूँगी। अगर आपके पास स्टोन या मोती नहीं है तो आप यहाँ पर मिरर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मिरर भी नहीं है तो लेस, गोटा किसी भी का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कलर से इस पर पेंट कर दीजिए, ब्रश से छोटा छोटा गोल गोल सर्कल का डिज़ाइन बना दीजिए। सो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा है और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए मेरा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, सो जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो हमारा फर्स्ट डेकोरेटिव आइटम रेडी हो चुका है। जो दिया रखने की प्लेट है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इस तरीके से जो मार्केट में दिए मिलते हैं वो भी रख सकते हैं, या फिर आप घर पे जो सिंपल वाला दिया होता है जो हम घी या ऑयल डाल के यूज़ करते हैं उसको भी इस पर रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है दिए का। तो चलिए आइए सेकंड वाले डेकोरेटिव आइटम को बना लेते हैं। यहाँ पर मैं अगेन सीडी का यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास सीडी नहीं है तो आप उसकी जगह कार्डबोर्ड ले लें और उस पर उसको सर्कल शेप में कट कर लें और उस पर फेविकॉल लगाने के बाद राइस डाल दें, और थोड़ा सा ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा राइस हैं उनको रिमूव कर दें। सो हमारा जो ये दिया वाली प्लेट है सेकेंड, वो भी रेडी हो चुकी है। ये काफ़ी सिंपल और ईजी है और मेरी मोस्ट फेवरेट है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो घर में आप अच्छे से बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं अलग अलग कलर से बना लूँगी, तो यहाँ पर अलग अलग कलर के राइस का आप यूज़ कर सकते हैं। और एक जो मैं बनाऊँगी वो राइस को मिक्स करके बनाऊँगी, आप मल्टी कलर के राइस यूज़ कर लीजिए, उनको मिक्स कर लीजिए और उससे भी एक प्लेट हमारी रेडी हो जाएगी। तो राइस को मिक्स करके जो प्लेट हम बनाएंगे, मैंने यहाँ पर वाइट और रेड कलर का यूज़ किया है। आप यहाँ पर येलो और ग्रीन कलर के राइस भी मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट डेकोरेटिव आइटम की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ बैंगल्स का यूज़ किया है। बस अलग अलग तरह की जो भी बैंगल्स आपके पास वेस्ट पड़ी हो उनको एक साथ चिपका लें और आपका ये दिया होल्डर रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप इसके साइड में और भी डेकोरेशन कर सकते हैं, मोती या पॉम पॉम लगा के या फिर लेस या गोटा लगा के। मैंने बस बैंगल को चिपकाया है और इसको सिंपल ही रखा है क्योंकि मेरी जो बैंगल थी वो काफ़ी शाइनिंग वाली थी। तो यहाँ पर मैंने इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए कुछ मोती मेरे पास पड़े हुए थे उन्हीं को लिया है और एक धागे में पिरो लिया है और उसके साइज़ की एक माला टाइप बना ली है और बस उसको इसमें फिट कर दिया है। तो
तो हमारा ये देखिए कितना अच्छा बैंगल होल्डर जो है रेडी हो गया है दिया के लिए। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट डेकोरेटिव आइटम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने अगेन सीडी का यूज़ किया है। अगर आपके पास सीडी नहीं है तो आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं और बस फेविकॉल लगा के मेरे पास एक ये सुतली थी ब्राउन कलर की, बस उसी को राउंड राउंड घुमा के पूरा कवर कर दिया है। तो हमारा ये ब्यूटीफुल सा प्लेट रेडी हो गया है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये वुडन की स्पून ली है। ये थोड़ी ब्लैक हो चुकी थी, ख़राब हो गई थी, तो इनको हम खाने में तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है। तो इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास इस टाइप की स्पून नहीं है तो आप आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो प्लास्टिक की जो स्पून आती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको इस तरीके से कट करके मैंने 1x1 करके राउंड राउंड घुमाते हुए ग्लू गन से इसमें चिपका लिया है। जो इसमें आपको लंबे वाले स्टैंड दिख रहे हैं, ये दिया स्टैंड मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में ये दिया स्टैंड मैंने बनाए थे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और ये स्टैंड बनाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।